हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि CISCE बोर्ड 2020 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा आज के डेट में। आज 10 तारीख है, आज के डेट में CISCE बोर्ड 2020 का रिजल्ट जो है शो कर दिया जाएगा, जो कि क्लास 10 एंड 12 का रिजल्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इसका रिजल्ट देख पाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं हाउ टू चेक ICSE एंड ISE रिजल्ट विदाउट सर्वर प्रॉब्लम का आप कैसे देख पाएंगे। तो पिछला साल आपने देखा होगा 2019 में कि क्लास 10 एंड 12 का ISCE का बोर्ड जो रिजल्ट जारी किया गया था, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं देख पाए, को उनको काफ़ी दिक्कत हुआ था और कैप्चा कोड के बारे में भी उनको दिक्कत हुआ था। सारे इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बताने वाला, सारे कन्फ्यूजन को मैं आज दूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपको कैसे देखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो रिजल्ट देखने के लिए क्या करना होगा, अपने फोन या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ टाइप करेंगे www.dekhorizult.com। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा लिखना है और फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आप dekhorizult.com पे आ जाएंगे, यानी कि देखो रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इस वेबसाइट का रिकमेंडेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको किसी तरह का सर्वर प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपको दो लिंक दिया जाएगा रिजल्ट को देखने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ऑल बोर्ड्स रिजल्ट्स मिल जाएगा, कंप्यूटर एंड फोन में सेम ये वेबसाइट खुलता है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने CISCE बोर्ड 10th एंड 12th रिजल्ट 2020 का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं आज का ये पोस्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट्स नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन कौन से टाइम में आपका ये आने वाला है रिजल्ट, स्क्रॉल को नीचे करते जाएंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ हाउ टू डाउनलोड रिजल्ट, इसको अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, स्क्रॉल को नीचे करेंगे। सबसे नीचे आपको यहाँ पे यूज़फुल लिंक मिलेगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है डाउनलोड ISCE रिजल्ट 2020 और उसके नीचे है आपको डाउनलोड ICSE रिजल्ट 2020। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिंक अवेलेबल टुडे, आपको यहाँ पे दिख जाता है लिंक अवेलेबल टुडे, यानी कि अभी ये पब्लिश नहीं किया गया, ऑफिशियली यहाँ पे पब्लिश नहीं किया गया, ठीक है। तो ऑफिशियली जैसे ही पब्लिश होगा आपको यहाँ पे लिंक वन एंड लिंक टू इसलिए दिया हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि दोनों लिंक से आप चेक कर सकते हैं ISCE का रिजल्ट 2020 का, ठीक है। तो लिंक वन में अगर नहीं खुलता है तो लिंक टू में चेक करना है आपको, ठीक है। अगर लिंक टू में नहीं खुल रहा है तो लिंक वन में चेक करना है, यानी कि आपको दो वेबसाइट का मैं लिंक यहाँ पे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके अपना डिटेल्स को फिल करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्वर डाउन होता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दुनिया भर के, यानी कि सिर्फ भारत का रिजल्ट ये नहीं है, ऑल वी ओवर अलग अलग कंट्री से इस रिजल्ट को, यानी कि इस एग्जाम को दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स को सबसे पहले चुनना है, कोर्स दो टाइप का है, ICSE और ISCE, ठीक है। तो जो भी कोर्स होगा आप यहाँ पे चुन लेंगे, UID नंबर आपको डालना है और यहाँ पे आपको यहाँ और नीचे आपको इंडेक्स नंबर डाल लेना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको डाल लेना है, जैसे कि मैंने बताया, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया तीन चीज़ें आपको डालना है, आपको कोर्स कौन सा है दोनों में से एक कोर्स को चुनेंगे, उसके बाद आपका UID नंबर डालना है और इंडेक्स नंबर आपको डाल लेना है, ठीक है। इंडेक्स नंबर देख सकते हैं किस तरह, यहाँ पे इंडेक्स नंबर देख सकते हैं किस तरह से डाला जाता है और नीचे कैप्चा कोड। कैप्चा कोड ये होता है कि एक वेरिफिकेशन कोड एक तरीके से इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जैसा लिखा हुआ कोड आता है वैसा, जैसे कि यहाँ पे BTHOK लिखा हुआ है, वो यहाँ पे इस नीचे वाले बॉक्स में डालेंगे और यहाँ पे शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट रिजल्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये सारा इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है जो कि आपका एडमिट कार्ड में अवेलेबल होता है और ये कैप्चा कोड आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कैप्चा कोड में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे लिखा होगा वैसा आपको लिखना है और शो रिजल्ट पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। किसी तरह का कन्फ्यूजन, किसी तरह का सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और किसी तरह का दिक्कत हो रहा है रिजल्ट देखने में तो हमें अपना डिटेल को सेंड करें, जैसे कि कोर्स कौन सा कोर्स वो हमको सेंड करना होगा और UID नंबर और इंडेक्स नंबर हमें सेंड करें, हम आपका रिजल्ट शो करेंगे, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां से मैं आपको डिटेल में आपका रिजल्ट शो करके दिखा दूंगा, यानी कि रिजल्ट डाउनलोड करके आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी तरह का कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिन स्टूडेंट को पता नहीं उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस रिजल्ट के बारे में पता चले और वो भी अपने रिजल्ट इस माध्यम से चेक करें, ठीक है। किसी तरह कंफ्यूजन के लिए हमें कमेंट करें, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।